तो दोस्तों ये एक फ्रेशर्स के लिए वर्क फ्रॉम जॉब होने वाली है। रिक्वायरमेंट्स में देखें दोस्तों, क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। सिंपली आप 12th पास हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे बेनिफिट्स में देखें दोस्तों, आपको कम्पिटिटिव एंट्री लेवल सैलरी मिलने वाली है, मतलब कि 25 से 30 हज़ार की सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे देखें दोस्तों 35 से लेकर 40 हज़ार की सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है और आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई करके दिखा दूंगा। और यहाँ पे एक सिंपल सा असेसमेंट टेस्ट जो है जिसको मैं अपने मोबाइल से ही करके दिखा दूंगा, क्योंकि क्या होता है बहुत बार मैं अपने लैपटॉप से जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ, अप्लाई करने का तरीका दिखा देता हूँ, पर बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं होता है जिसकी वजह से देखें तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे मोबाइल फोन से कैसे अप्लाई करना है और असेसमेंट टेस्ट को कैसे पास करना है ना, वो भी यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में जरूर बने रहिए। अगर आप एक फ्रेशर्स हो, एक वर्क फ्रॉम जॉब सर्च कर रहे हो और आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा कम है, फिर भी आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तनख्वाह मिल सके और एक बड़ी कंपनी में आपको काम करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वर्क फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर वीडियो जो है ना हमेशा मैं बनाते ही रहता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू कर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक देके रखा हुआ है इस जॉब का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, बराबर। यहाँ पे आपको कंपनी की पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। कंपनी का नाम है क्रिएटिव स्टॉर्म। यहाँ पे देखो तो आपको फुल टाइम वाली एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब रोल रहने वाली है, एंट्री लेवल एंड रिमोट। इसका मतलब क्या है, आप फ्रेशर हो, एंट्री लेवल में आप अप्लाई कर सकते हो, और रिमोट का मतलब है कि वर्क फ्रॉम होम आपको यहाँ पे काम करना होता है। ठीक है, रिमोट जॉब बोला गया है। आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, और अपने दोस्तों का अगर आपको इस जॉब को शेयर करना है तो रिफर अ फ्रेंड के ऊपर क्लिक करके अपने दोस्तों को इस जॉब को शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखिए वर्क एक्सपीरियंस में बोला गया है फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, रिमोट जॉब रहने वाली है। क्रिएटिव स्टॉर्म इज इन्वाइटिंग एन ऑर्गेनाइज एंड ड्रिवन इंडिविजुअल टू टेक ऑन द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, तो आपका जो काम रहने वाला है वो एडमिन का होने वाला है। अब यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको काम क्या करना है ना वो यहाँ पे दिया गया है, मैनेज शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स एंड करस्पॉन्डेंस फॉर टीम मेंबर्स। तो जो भी टीम मेंबर्स है उनके शेड्यूलिंग आपको करनी है, अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है गूगल मीट्स पे, प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ सकता है, रिपोर्ट्स क्रिएट करने का काम करना पड़ सकता है, वो कैसे करना है उसका पूरा ट्रेनिंग जो है ना आपको यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, असिस्ट इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वर्चुअल मीटिंग्स एंड इवेंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी इवेंट्स रहेंगे उनकी प्लानिंग्स करनी है, असिस्ट करना है उनमें, कोऑर्डिनेट करके वर्चुअल मीटिंग्स रहेंगी। देखिए दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम काम करना है तो वर्चुअली आपकी यहाँ पे मीटिंग्स रहेंगी। ठीक है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू एनहांस ऑपरेशन इफिशियंसी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, काम सिंपल एडमिन रोल का रहने वाला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी रिक्वायरमेंट्स में क्वालिफिकेशन जो है ना हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल कम्युनिकेशन टूल्स। तो देखिए दोस्तों, वर्चुअल कम्युनिकेशन टूल्स मतलब कि क्या है, जूम मीटिंग मतलब ऑनलाइन मीटिंग किस एप्लीकेशन से करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जूम का हम यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल मीटिंग करने के लिए, या फिर यूट्यूब लाइव भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस सॉफ्टवेयर बोला गया मतलब कि एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको काम करना है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम काम करना है तो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए, बराबर। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बोला गया है एंड प्रोफेशनलिज्म आप में होना चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपकी रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है क्वालिफिकेशन में। तो आपने सिंपली 12th पास किया है, आप फ्रेशर हो, आपको एक वर्क फ्रॉम जॉब चाहिए, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, बेनिफिट्स में देखें दोस्तों, Why join Creative Storm? इस कंपनी को आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, Embrace the flexibility of fully remote role। तो ये पूरा फुल्ली रिमोट रोल रहने वाला है, आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम काम करना है विथ नो ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो आप किसी भी कंट्री से हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कंपनी दैट वैल्यूज इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, इनिशिएटिव जो है ना आपको दिया जाएगा, आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा जैसे आप यहाँ पे ज्वाइन होते हो तो, और आपको यहाँ पे पूरे रिसोर्सेज जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे काम करने के लिए। कम्पिटिटिव एंट्री लेवल सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब कि 25 से 30 हज़ार की सैलरी जो है ना वो रेंज आपको यहाँ पे रहेगी। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर प्रोग्रेशन, मतलब कि क्या है, आपको यहाँ पे जो करियर जो है ना आपको यहाँ पे प्रमोशंस होते रहेंगे, सैलरी भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे सिंपली देखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फोन से कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे हमारे पास तो लैपटॉप है नहीं या फिर कंप्यूटर है नहीं फिलहाल, तो जैसे ही जॉब लग जाएगी तब हम ले लेंगे, बराबर। पर फिलहाल के लिए अब अप्लाई करने के लिए हमें मोबाइल फोन से कैसे करना है वो एक बार दिखा दीजिए। तो इस जॉब को मैं अपने मोबाइल फोन से अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है।
फिर यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे ऑटोफिल एप्लीकेशन में आप यहाँ पे डायरेक्टली रिज्यूम ही अपलोड कर सकते हो, डायरेक्टली आपके रिज्यूम की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगी, या फिर आप मैन्युअली ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, जैसे कि आपका यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया नेटवर्क, अगर आपके पास लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो एक फ्री में क्रिएट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं है तो एक फ्री में क्रिएट कर दीजिए, फ्री में बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अटैच इन्फॉर्मेशन में देखिए दोस्तों, रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना है और कवर लेटर जो है ना ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे डालनी है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे असेसमेंट जो है ना वो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, तो सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन अपनी फिलअप कर देता हूँ, फिर आगे का जो असेसमेंट टेस्ट है ना वो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन कर दिया है, देखिए दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैंने डालने को बोली थी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। उसके बाद क्वेश्चंस में देखें दोस्तों, यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट जो है ना वो नॉर्मल असेसमेंट टेस्ट रहने वाला है। आर यू करंटली एम्प्लॉयड, यस नो में आपको आंसर देना है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर दीजिए। व्हाट इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब कि क्या है, हायर एजुकेशन है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना हायर एजुकेशन जो है वो डाल देता हूँ। उसके बाद देखें दोस्तों, आर यू 18 ईयर्स ओल्ड, तो आपको यहाँ पे यस डाल देना है। Why are you leaving your current position? देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और वो आपको पोजीशन चेंज करनी है तो उसका रीजन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। Why are you looking for a new job? तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टेटिक मार्क नहीं है तो ये यहाँ पे आप एम्प्टी रख सकते हो, ठीक है। Why are you interested in this position? तो इस पोजीशन में आप इंटरेस्टेड क्यों हो, तो यहाँ पे सिंपली मैंने ये लिख दिया है, आई वॉन्ट अ जॉब विच इज इन गुड कंपनी विद ऑल बेनिफिट्स, तो सारे बेनिफिट्स में यहाँ पे मुझे मिलेंगे और एक अच्छी कंपनी होगी वहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो ये कंपनी जो है ना वो इसी तरीके की कंपनी, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आर यू विलिंग टू रिलोकेट, यहाँ पे पूछा गया, मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। अगर मेरी यहाँ पे पोजीशन जो है बढ़ जाती है, मतलब कि यहाँ पे सिंपली मैं एडमिन हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक दो साल काम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे मैनेजर लेवल पे चला जाता हूँ तो शायद से मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ सकता है, तो आपको रिलोकेट करना है कि नहीं यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। उसके बाद वेयर डिड यू कम अक्रॉस अवर पोस्टिंग, तो आपको इस जॉब के पोस्ट के बारे में कहाँ से पता चला है, सिंपली देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ भी डाल सकते हो या फिर जॉब बोर्ड जो है ना ये भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इंटरेस्ट यू मोस्ट अबाउट अवर कंपनी, कंपनी के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, कंपनी कल्चर, प्रोडक्ट्स प्रोफाइल, डिस्टेंस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, अप्रोच टू वर्क एंड लर्निंग, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपको यहाँ पे अच्छे लगे, इसके लिए आप यहाँ पे इस कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हो, इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। What are the key contributions you can bring to this role? तो आप इस कंपनी में क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस रोल के लिए, तो आपको यहाँ पे सिंपल एक दो लाइन में लिख देना है अपने बारे में कि आप इस कंपनी में कितने अच्छे तरीके से काम करेंगे, जो कि आप अपने बायोडाटा में लिखते हो वही लाइन आपको यहाँ पे चिपका देनी है सिंपली। तो देखिए दोस्तों, आई एम वर्किंग हार्ड टू गेट द गोल डन विच आर मेकिंग द कंपनी बेनिफिट्स, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंपनी के बेनिफिट्स के लिए जो भी काम रहेगा वो मैं करूँगा, मेरे जो भी गोल्स रहेंगे वो मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। How often you are willing to travel? आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, travel अगर करना चाहेंगे तो आप कितना often कर सकते हो, महीने में या 3 महीने में, 6 महीने में, तो यहाँ पे आप महीने में या फिर 6 महीने में एक बार ट्रिप कर सकते हो, बिजनेस के रिलेटेड, मतलब कंपनी के बिजनेस के लिए कोई ट्रिप निकलती है तो आप यहाँ पे महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में कभी जा सकते हैं कि नहीं यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 महीना या फिर 6 महीना आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कैन वी कॉन्टैक्ट द रेफरेंस यू हैव लिस्टेड ऑन योर जॉब एप्लीकेशन, तो यहाँ पे सिंपली वेरिफिकेशन होने वाला है कि आप वही बंदे हो जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आर यू ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो आप अपने कंट्री में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन काम कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे यस में आपको डालना है। डू यू बी विलिंग टू टेक अप अ टेलीफोन इंटरव्यू, आपको टेलीफोन इंटरव्यू पे बात करनी है कि नहीं करनी है, या आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, यस नो में आंसर दे सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे यस कर दीजिए जिससे कि आपको डायरेक्ट कॉल आ सकता है इमीजिएटली। अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आपको यहाँ पे इमीजिएट रिस्पॉन्स नहीं आएगा, थोड़ा टाइम चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट असेसमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यह आपका असेसमेंट है ना एकदम नॉर्मल है, आपके बारे में यहाँ पे जानकारी ली गई है और सिंपली यहाँ पे सबमिट करने पर आपका एप्लीकेशन जो है ना ये चला जाएगा कंपनी के टीम को, ठीक है। फिर यहाँ पे रिव्यू टीम चेक करेगी आपका एप्लीकेशन, उनको ऐसा लगता है कि आप एक सही कैंडिडेट जॉब के लिए, तो आपको यहाँ पे एक रिप्लाई आ जाएगा ईमेल की तरफ और आपको एक कॉल भी आ सकता है रिक्रूटमेंट टीम की तरफ से, यहाँ पे आपको वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे जॉब्स के रिलेटेड, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की या फिर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, फिर भी आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस तो उसके बारे में पूछा जाएगा, प्लस आपको कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा, और देखिए दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन कितना है ना ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसका आंसर आपको देना है और इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो जो भी जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताई है, जिसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
उसका रिप्लाई मैं आपको यहाँ पे टाइम निकाल के दे दूंगा। और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, चैनल का नाम है प्रूफ क्या है, चैनल का नाम मैंने ऐसा रखा है क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें जो है ना प्रूफ करनी पड़ती है, इसके लिए मैंने चैनल का नाम जो है प्रूफ क्या रखा है। ठीक है, इसमें कोई अजीब मानने की बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर मैं हर रोज वर्क फ्रॉम होम फ्रेशर्स के लिए जो भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है उनके ऊपर वीडियोज बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।